सत श्री अकाल। दूर गगन में मैंने देखा नाम आपका लिखा हुआ। दूर गगन में मैंने देखा नाम आपका लिखा हुआ, और शब्दों की बारात चली थी, मौसम था कुछ खिला हुआ, और सूरज चांद सितारे थे, सूरज चांद सितारे थे, और वहाँ थी फुलवारी, सभी मगन थे सुनने में, तू जैसे कोई खुदा हुआ। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में चल रहे इस IAS प्रोफेशनल कोर्स फेज़ वन की कोर्स टीम और फाइन आर्ट सोसाइटी की प्रस्तुति आज की इस खूबसूरत शाम असूफी इवनिंग विद कैलाश खेर में मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और श्री कैलाश खेर और उनकी टीम बड़े इंतज़ार के बाद हमारे बीच है, और मैं देख पा रहा हूँ कि ऑफिसर ट्रेनीज की आंखों में एक अजब सी चमक है, और सब लोग बहुत बेकरार हैं आपकी खनकती आवाज़ और सूफियाना अंदाज से रूबरू होने के लिए। तो मैं सबसे पहले इस शाम का आगाज़ करने के लिए आमंत्रित करता हूँ डायरेक्टर सर श्री राजीव कपूर जी, कोर्स कोऑर्डिनेटर श्रीधर सर, कोर्स टीम के सदस्य और श्री कैलाश खेर जी का, कि वे आएँ और दीप प्रज्वलित कर इस शाम की शुरुआत करें। तेजवीर सर, जैन सर, प्लीज। ठीक है, बोल। शमा रोशन करने के इस अंदाज का जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि ये एक सूफी शाम है और इसमें शमा रोशन होगी तो एक अलग ही माहौल, एक अलग ही खुमार आएगा। मैं अनुरोध करता हूं सभी अतिथियों से कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। दोस्तों, शाम का खुमार धीरे धीरे हावी होता जाएगा। मैं इस खूबसूरत शाम की शुरुआत के लिए अपनी एकेडमी की नुमाइंदगी करने के लिए अपने दो साथियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपनी सुरीली आवाज़ के साथ गार्गी, एक बार जोरदार तालियां गार्गी के लिए। Thank you.
एक बार जोरदार तालियां। हमारी एकेडमी के लोग भी कुछ कम नहीं हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी दो दिन पहले हमने एक कल्चरल डे मनाया, पूरे देश की संस्कृति को हमने अभिव्यक्त किया। तो जब वहाँ सूफी परंपरा, जो हमारी सूफी ट्रेडिशन है, जब उसको प्रस्तुत करने की बात आई, तो जो गीत लोगों ने जो गीत हमारे एक सितारे ने गाया, मैं चाहता हूँ कि वो गीत दोबारा से आपके सामने पेश करें, और वो आपका ही गीत है। मैं हमारे एकेडमी के कैलाश खेर अभिजीत को बुलाना चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि लगे हाँ हमारे एकेडमी के एक सितारे ने परफॉर्म किया। और दोस्तों मैं अभी देख रहा था कि कैलाश खेर जी ने इनके मस्तमोला अंदाज को देख के अभी डायरेक्टर सर से कह रहे थे कि इनको थोड़े दिन मुंबई इंटर्नशिप के लिए भेज दीजिए। तो दोस्तों काम की बात पर आते हैं। कैलाश खेर एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो कैलाश खेर हैं जो भारतीय लोक संगीत
और सूफी संगीत से प्रभावित हिंदू संगीत शैली के इंडियन पॉप रॉक सिंगर हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की प्रतीक 20 से ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में आप अपनी आवाज़ दे चुके हैं और हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें आपने अपनी आवाज़ नहीं दी। और मैं मस्मोला अंदाज के धनी और भारतीय फिल्मों व एल्बमों में 800 से ज़्यादा गाने गा चुके, ऐसे तमाम गाने हैं जो कैलाश खेर जी ने खुद कंपोज किए हैं, उनका म्यूज़िक खुद कंपोज किया और खुद गाए हैं। तो दोस्तों, कैलाश खेर जी गज़ल, सूफी, कव्वाली, लोक संगीत और भक्ति संगीत को भी सर प्रदान कर चुके हैं। और अभी 28 तारीख को जब केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होंगे तो इंडिया गेट पर परफॉर्म करेंगे, लेकिन सौभाग्य हमारा है कि अब वो 2 दिन पहले उन्होंने एकेडमी में आकर हमारा मान बढ़ाया। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां कैलाश खेर जी और उनकी टीम के लिए। और दोस्तों, आपको जानकर बहुत बहुत खुशी होगी कि 2 अक्टूबर 2014 को जिस महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, उसके जो 9 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए उनमें से कैलाश खेर जी एक। मैं संक्षेप में उनकी टीम का परिचय दे देता हूँ। उनकी टीम में हमारे साथ है सतीश सुब्रमण्यम अय्यर जी, त्रिशूला सिन्हा जी, और हमारे साथ पीछे मंच पर संगत दे रहे हैं तबले पर शिवाजी गायकवाड़ जी, ढोलक पर अमित धीमान जी, गिटार पर भूपेश कैंथुरा जी, ओक्टापैड पर विनय शर्मा जी और कीबोर्ड पर रितेश कुमार जी। तो दोस्तों, अब मैं इस शाम में आपके बीच बाधा नहीं बनूंगा आपके और कैलाश खेर जी के बीच, लेकिन ये अब आप पे, ये शाम आपके हवाले है और आप इस शाम को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे आप पर निर्भर करता है। कैलाश खेर जी आपसे अपने मन की बातें भी साझा करेंगे और आप भी अपने मन की बात उनसे कह सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव इवनिंग है ये, सूफी इवनिंग विद कैलाश खेर। मैं बहुत बहुत चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों गड़गड़ाहट के साथ हम कैलाश खेर जी को आमंत्रित करें। आप सबको मैं नमस्ते करता हूं। ये मेरा परम भाग्य है कि हमारे देश की सूत्रधार जो संतति है वो आप हैं, हमारा देश जिससे चलता है वो आप हैं। मैं आपको नमन करता हूं एंड बधाई देता हूं कि आज हम यहां पर हैं आपके समक्ष। ये निशांत क्योंकि छोटे भाई की तरह हैं हमारे, और ये खुशी की बात है कि इन्होंने बात हमसे की और बताया कि आपका म्यूज़िक जिस तरह से हम लेते हैं, तो मुझे लगा ज़्यादातर मैं तो यकीन भी कम करता हूँ दुनिया पे जब भी मेरी तारीफ हो तब मैं सोचता हूँ नहीं, ये ज़रा टाइम वेस्ट वाले काम मत कीजिए, समय कम है, चैलेंजेस बहुत हैं। और आप लोगों से मैं इसलिए बहुत प्रभावित हूँ कि आप सचमुच जितने भी पल अभिजीत ने, गार्गी ने यहाँ पे खुशी के शेयर किए हैं, ऐसे बहुत कम आएंगे। अब आप जब फील्ड में उतरेंगे तो यू विल नॉट डांस, यू विल नॉट सिंग, यू विल मेक पीपल यू नो डू ऑल दिस। तो ये जो ट्रेनिंग यहाँ की है, इस ट्रेनिंग की वजह से कितनी विषम परिस्थितियों में भी आप लोग जाकर ये पूरा देश संभालेंगे और संभाल रहे हैं। तो इस बात से मुझे आपको सिर्फ ये बताना कि दुनिया बदल रही है, हमारा देश बदल रहा है, उस बदलाव का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो आप हैं। मैं आपको बस एक चीज़ बता दूं जी, हो क्या रहा है, मैं ट्रेंड म्यूजिशियन नहीं हूँ, मैंने कहीं सीखा नहीं, सीखे बिना ज़्यादातर मैंने फेलियर्स देखे। मुझे ज़्यादातर लोग ने बोला शुरू में, जिन जिन भी हम जहाँ भी जगह पे गए, कि जी ये आवाज़ अच्छी नहीं है तो आप गाना मत सीखिए। 2-4 साल की रगड़ के बाद ये पता लगा, फिर 2-4 साल तो चले गए हाथ से,
फिर क्या सीखें, संगीत की तो बीमारी पकड़ी है, तो जी आप कुछ इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिए। तो हम उसमें थोड़ा लगे, एक दो साल के बाद उसमें भी हम कुछ रेगुलर ना हो पाए, वहाँ पे हुक्का ही भरवाते रहे हमसे इंस्ट्रूमेंट जो सिखा रहे थे, क्योंकि हमारे पास आर्ट को लेकर सर, राजीव सर, अभी भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं पृथ्वी पर। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आर्ट और स्पोर्ट्स इनको लेकर कुछ ऐसी गहरे इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज अभी भी नहीं है। मैं ये बात आपसे इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू थिंग्स कैन चेंज, वर्ल्ड कैन चेंज, द चेंज कैन टेक प्लेस एंड इट इज टेकिंग ऑल्सो। आई एम विटनेसिंग सो मच चेंज टूडे। आई हैव नो डिग्री, विल यू बिलीव, आई डोंट हैव एनी डिग्री सर। मैं पढ़ाई भी मैंने लस्सी काम किया, मेरठ का हूँ तो जुगाड़बाजी से काम किया, किसी तरह से 9th तक खेला, उसके बाद जहाँ भी है बस रगड़ा मारा, बाकी कुछ किया नहीं। मतलब ऐसा हमने तब्बक में तीर नहीं मारा। इतने काम किए मैंने कि 15-16 जुगाड़बाजी के काम सीखे थे सर, कि सर्वाइव अगर करना पड़ा तो कैसे कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैंने कमर्शियल ड्राइविंग भी की थी ट्रक की, एक साल सराय काले खां से मेरा लाइसेंस भी बना हुआ है। मैं आपको ये बताता हूँ, भारत में कैलाश खेर जैसे बहुत सारे उगे हुए कल्प वृक्ष हैं। मैं, मेरी आपसे निवेदन ये है, प्लीज़ आर्ट के लिए हमारी संतति को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा जी। जब भी हम, कितने भी हम लिबरल थॉट्स के हों, हमारा बालक अगर ये बोल दे व्हाट यू वांट टू डू, आई वांट टू बी म्यूजिशियन, अरे बेटा कुछ पढ़ो वढ़ो, क्या बात कर रहे हो, म्यूजिशियन तो ठीक है, ये तो शौक की चीज़ें होती हैं बेटा, MBA वगैरह करो, उससे थोड़ा नाम होता है। देखो कपूर साहब के बेटे अभी IIT में सेलेक्ट हुए हैं, तो ये हो जाता है जी। तो दुनिया में IIT की जितनी वैल्यू है उतनी आर्ट की भी हो, क्योंकि आर्ट जिंदगी का दूसरा नाम है, खुशी का दूसरा नाम है। जब हम पगला जाते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, पूरी दुनिया की टेंशन जब हमें होती है, तब आर्ट काम आती है साहेब, IIT काम आती है, लेकिन टेंशन वाले रोग दूर करने के लिए नहीं, वो तो उल्टे स्ट्रेस लाती है। उसमें तो परसेंटेज चाहिए होती है हर इंजीनियर को, सबको चांद छूना और आज ही छूना है। तो एक ये भी एक है परमात्मा की देन, बहुत लोगों में एक हो होता है। एक और उदाहरण देता हूँ, जब मैं पहली रिकॉर्ड लेवल के पास सर गया, तो हमको ले जाके हमारी एक डेमो टेप सुनवाई, भारत की सबसे बड़ी रिकॉर्ड कंपनी है ये, उन्होंने सुनी हमारी आवाज़ और बोलते हैं यू नो दिस काइंड ऑफ वॉइस आई थिंक नो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, व्हाई इट्स नॉट अ कन्वेंशनल वॉइस, कम ऑन, यू नो इट्स नॉट अ हीरोइक वॉइस, कम ऑन मैन। तो मैं थोड़ा और टेंशन में आया, लेकिन मुझे टेंशन की आदत हो गई थी, हमको तो मुश्किलों ने ही पाला है और वैसे भी 30 के हो गए थे तब तक, तो काफ़ी पक जाता है आदमी 30 का होके। तो उस वक्त जिस कंपनी के इस वाले अधिकारी ने ये बहुत अच्छी अपनी टिप्पणी देकर हमको भगाया प्यार से, मतलब बड़ी इज्जत से बेइज्जत होता गया मैं अपने जीवन में। और उसके बाद ये हमारे अल्लाह के बंदे ये गाने हिट हो गए, कुछ जिंगल्स हिट हो गए, फिर हम जो भी गाएं वही हिट होने लगा, जो भी गाएं गलती से, यहाँ तक कि हमने अगर समझ लीजिए न्यूज़ चैनल पर भी कुछ लाइन कुछ भी ऐसे कर दिया वो भी हिट। तो उसके बाद एक पार्टी हुई, उसमें हमें भी आमंत्रित किया गया। पार्टियों में मैं जाता नहीं, ना मुझे पार्टी पसंद है, लेकिन कुछ मजबूरियां, काम के कमिटमेंट ऐसे होते हैं साहब। हम गए तो वही बंदा, हाथ में उसके पैग है, यू नो आई टोल्ड यू दिस वॉइस माइट वर्क हियर एंड यू नो इफ इट वर्क्स इट विल चेंज द यू नो ग्राफ ऑफ सिंगिंग। तो दुनिया ऐसी है जी, 54-26 पैसे में जब चल जाती है तो बातें होती हैं चारों ओर, वरना सब पहले से पहले
और ये सब MBA किए हुए होते हैं साहेब, ये ऑक्सफोर्ड से आते हैं जो अपनी अपनी टिप्पणियां देते हैं। मैं कहता हूं परमात्मा की विद्या के सामने सारी विद्याएं फेल हैं, इसलिए परमात्मा की देन को भी थोड़ी सी इज्जत से प्लीज, आप लोगों में बहुत दम है, आप लोग पूरा स्टेट, पूरा देश, पूरा रूप बदल देते हैं जिंदगी का, इस पे ध्यान दीजिए। जहां जहां आप जाएंगे वहां आर्ट को, ट्रू आर्ट को, फोक को प्लीज प्रमोट कराइएगा, चाहे कितने भी मतलब विषम परिस्थितियां हों। अब आपके लिए हम थोड़ा सा गा भी लेते हैं क्योंकि इतना सब साजो सामान रखा गया है। सबसे पहले तो आप इन सारे प्यारे म्यूजिशियंस के लिए, क्योंकि ये हंस नहीं रहे हैं, तो इनके लिए एक ताली बजाइए ताकि इनका चेहरा खिले। नहीं, हम इसी पे गाएंगे। और ये जो ढोलक है, साउंड जी कहाँ है, साउंड ऑपरेटर जी, ये ढोलक को जरा थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए और ओवरऑल थोड़ा म्यूजिक बढ़ा के रख दीजिएगा सर, है ना जरा साहेब। तो जरा गौरी सोई सेज पे मुख पे डारे केस, गौरी सोई सेज पे मुख पे डारे केस, चल खुशरो घर आपने सांझ भई चहूं देश। मैं बताऊंगा तब करिए। रंग दीनी 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 we'll be right back.
क्या है जी? जी मुझे आपको एक जानकारी देनी है, क्योंकि मैं मेरठ में जन्मा हूँ, दिल्ली में मैं रहा हूँ, मेरा बहुत समय, मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स, जब मनुष्य की बहुत सारी वृत्तियाँ परिवर्तित होती हैं और व्यवस्थित होती हैं, वो वाली आयु में मैं इस प्रांगण में रहा हूँ सर, यहाँ पर ऋषिकेश में और मसूरी, और यहाँ तक हम बाइक से आते थे। अब मैं जब बाइक चलाते हुए लोगों को देख रहा था तो मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता कि मैं यहाँ बाइक चला चुका हूँ क्योंकि मुझे वो यकीन ही नहीं आ रहा, लग रहा जैसे वो पूरा पाषाण काल में ऐसा हुआ है और ये मेरा नया जन्म है, क्योंकि अब मैं ख्वाबों में भी किसी को देख भी नहीं सकता और सोच भी नहीं सकता हूँ कि पहाड़ों में भी कोई बाइक चला सकता है, और वो भी इतना उपद्रवी होकर जैसे यहाँ चलाते हैं। और मैं था ऐसा, मतलब मुझे खुद को लगता है कि देखिए ये पाव होता ना, पाव जो पाव भाजी वाला जी, वड़ा पाव या मस्का पाव जो भी होता है, पाव खाना बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बनते हुए अगर देख लोगे तो समझ आ जाएगा। तो वही हमारे जीवन की प्रक्रिया होती है, बनते हुए जो भी होते हैं ना वो बड़े निराले होते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तब थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाते हैं। जिंदगी की कड़वी सच्चाई है लेकिन गहरी है वो। तो यहीं उत्तराखंड सरकार के लिए हमसे एक परमात्मा ने बहुत बड़ा कार्य कराया है, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारी जितनी भी धरोहर है, संस्कृति है, कला है, हमारा इतिहास है, हमारा बड़प्पन है, हमारा गौरव है, उस सब को आप संवारने वाले हैं फ्यूचर में। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, खो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, खो के अपने पर ही तो, खो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, गम को अपने साथ में ले
टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा, टुकड़े टुकड़े हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा। बिखरे टुकड़ों में अल्लाह की मर्जी का मंदिर पाएगा अल्लाह के बंदे, हंसते अल्लाह के बंदे। सिंग अलोंग। प्रॉपर अपने बैंड के साथ फिर आएगा। 10 वर्ष, 800 सर, 100 के करीब गाने स्वयं लिखे, कंपोज किए और गाए हैं, जो हमारे एल्बम्स के और फिल्मों के होते हैं जिनमें हम म्यूजिक करते हैं, और बाकी सब जो बाकी लोगों की धुनें और फिल्मों में 800 के करीब गाए हैं, आज तक का एक रिकॉर्ड है। सिर्फ जो मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु एंड तमिल, ये लैंग्वेजेस में कभी कभी प्रोनंसिएशन की वजह से दो दो तीन तीन घंटे लगे हैं, लेकिन गायकी जो है परमात्मा वहाँ की भी एक एक घंटे की ही पकड़ाते हैं मैक्सिमम। तो ये ईश्वर का आपके उससे वो है आशीर्वाद। तो मैं एक और लास्ट गाना गा के अब आपको नमस्ते करता हूँ सर। हालांकि अभिजीत ने बहुत ही गजब गा चुके हैं, लेकिन मैं तो भी थोड़ा सा गा देता हूं। हालांकि मैं आप सबको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मन की आंखों से एक एक को निहार चुका हूं। यू ऑल आर एक्चुअली फुल ऑफ लाइफ एंड डिविनिटी। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज स्प्रेड दिस डिविनिटी इन द यूनिवर्स। यू नो यूनिवर्स नीड्स दिस कामनेस एंड पीस एंड हैप्पीनेस। और मेरा बहुत लालच है आप सबसे, क्योंकि हम बहुत देख चुके हैं ऑफिसरों को, वो चाहते भी हैं कुछ चीज़ें, कभी कभी विषम परिस्थितियाँ होने नहीं देती। तो मैं बड़ा नमन करता हूँ कि वाओ, आई सैल्यूट दीज पीपल। तो यू ऑल आर दैट, थैंक यू वेरी मच। सब कर जाऊं ये मदीन धर्म से बेगानी, प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को हे मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध नाए रही तन मन की, ये तो जाने लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी सारी। बेबस और लाचा फिरूं मैं हारी, मैं दिल हारी हारी, मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या
कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही बिल्कुल आपकी हर बात मानूंगा जी, आपको पता ही नहीं हम मोहब्बती आइटम हैं, अगर अगर कर लेते हैं तो फिर बहुत तगड़े से निभाते हैं। आप सबसे सानुरोध प्रार्थना है कि कृपया अपना अनुशासन भंग करें और थोड़ा आपके अंदर का जो हमरापन है यानी बावलापन जरा लेके आए। आयल इज ऑल फॉर यू, आई एम गोइंग टू जॉइन यू गाइज एज वेल फॉर योर एनकरेजमेंट, सो काइंडली डोंट सिट लाइक एज दो यू आर वॉचिंग सम टीवी शो नाउ, प्लीज एवरीवन यू ऑल हैव टू जॉइन द पार्टी बिकॉज इसके बाद हम नमस्ते करने वाले हैं, तो कृपया ये दुनिया उठ पटांगा कित हथ ते कित टांगा रत कुकड़ी देंदी बांगा एदे चकदे फट दुनिया खेल तमाशा एडी मेडी भाषा हे ठिश पिश टांटू शूशा एदे चकदे फट चकदे 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 चकदे
थैंक यू वेरी मच राजीव सर और आपकी पूरी टीम और सारे जितने भी यहाँ पर प्यारे लोग बैठे हुए हैं। म्यूजिशियन जी आप बहुत ही गजब हैं, ऐसे खुश रहना। जोरदार तालियां। आपने जो इस छोटी सी मुलाकात में मुस्कुराने का, हंसने का, जिंदगी को खुलकर जीने का जो मंत्र दिया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं हो सकता। एक बार जोरदार तालियां कैलाश खेर जी के लिए। और सर आपको सुनकर ऐसा लग रहा था, सब लोगों ने पीछे से मेरे को बताया, मैं आपको वो बता रहा हूँ, कि घर तेरा काश मेरे घर के बराबर होता। काश हमारा भी उनकी वो आपके पड़ोसी है ना। घर तेरा काश मेरे घर के बराबर होता, तू ना आता तेरी आवाज तो आती रहती। तो मैं महेंद्र सिंह तंवर को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू, मैं गाऊंगा नहीं यार। सर जब जरूरत पड़ी आपको बुला लेंगे, आपसे रिक्वेस्ट कर लेंगे। जी जी, तो दोस्तों आज की सूफी सांस्कृतिक संध्या के बाद मैं सबसे पहले अकादमी की तरफ से कैलाश खेर जी, जो हमारे सबके चहेते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उनकी पूरी टीम, सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं डायरेक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को माना, और साथ में कोर्स टीम और फैकल्टी का मैं बहुत आभारी हूं कि इतने कम टाइम में हमारी इस रिक्वेस्ट को उन्होंने हमें मान लिया। क्योंकि इस कार्यक्रम की जब हमने परिकल्पना की थी तो शुरू में हमें नहीं लगा था कि यह साकार हो पाएगा, लेकिन पूरी कोर्स टीम को इसका जो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको साकार बनाया। जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ में मैं प्रशांत जैन जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, टाइम्स ऑफ इंडिया से हैं ये, इन्होंने हमारी इसमें मदद की, और इसके साथ में एकेडमी स्टाफ, ENC सेक्शन और ट्रेनिंग सेक्शन, और हमारे साथ में सबसे जोरदार तालियां इस पूरी टीम के लिए, रितेश जी एंड इनकी टीम के लिए, और सबसे ज़्यादा आप लोगों का धन्यवाद जो आप यहाँ पहुँचे और इस इवनिंग को और भी खूबसूरत बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी निशान जी ने मेरे कान में कुछ फूका, उन्होंने कहा कि एक फ़ोटो जो है ग्रुप फोटो फैकल्टी के साथ भी हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मोमेंटो बात कर ले, पहले मोमेंटो कर लेते हैं। चलिए सबसे सर का जो हमें हमेशा हुक्म मानना पड़ता है, कोर्स टीम के कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, तो इस बार भी मैं मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और कैलाश खेर जी को एक छोटी सी भेंट अकेडमी की तरफ से दें। जोरदार तालियां गाइज़।